राजधानी के एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 2018 का आयोजन किया गया। मुट्ठी भर अरमान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने अन्न को बचाने, सभी को उनके हिस्से का भोजन मिलने, समान अधिकार दिलाने और शिक्षा का उजास फैलाने का संदेश दिया। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी बीएल सोनी, ईसीएम के अध्यक्ष प्रदीप बाहेती और उपाध्यक्ष रमेश सोमानी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जहाँ पर हम कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ जो भी बच्चे हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने कुछ अचीव किया है हमारे स्कूल में, उनको हम ऑनर करते हैं और सारे समाज के जो भी हमारे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो सब आते हैं और उन बच्चों को इनक्रेज करते हैं। तो आप लोग से भी अपेक्षा है आप लोग इस प्रोग्राम को इन्जॉय करें पूरा फुल टाइम और उन बच्चों को आप भी प्रमोट करें अपने विभिन्न चैनल्स पर जहाँ भी ये दिखाया जाए। उन बच्चों के लिए हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं हम हमारी तरफ से जो कोशिश है उसमें आप लोग भी भागीदार बने। महेश्वरी समाज का मुख्य उद्देश्य कम से कम फीस में और सबसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना, ये 1936 में हमारे पूर्वजों ने इसकी नींव रखी थी चौड़ा रास्ता से महेश्वरी बालिका विद्यालय के नाम से। और आज जयपुर में 23,080 बच्चे विद्यार्थी हमारे साथ शिक्षण संस्थाओं में, विभिन्न 9 विद्यालय और 1 कॉलेज इसमें जुड़े हुए हैं। रिसेंटली अभी एमपीएस कालवाड़ रोड पर जो स्थित है वहाँ पर प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे को 9th की परमिशन भी 2 दिन पहले ही CBSE से प्राप्त हुई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महेश्वरी समाज जयपुर में भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षा देना, बालिकाओं को कम से कम फीस में शिक्षा देना, अच्छे बच्चों को फीस में रिडक्शंस दे